Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain from question number 7th of exercise 23 chapter name Parabola of class 11 Mathematics. So let's start the video from 7th question. The focus at -2, -1 and the latus rectum joins the point -2, 2 and -2, 4. आपको क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि लेटस फोकस क्या है, -2, -1 पे है एंड लेटस रेक्टम ज्वाइन द पॉइंट दिस टू पॉइंट. अब इसमें देखिए एक बात इनको और क्लियर करनी चाहिए थी, क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है कि लेटस रेक्टम जिन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ये दोनों पॉइंट भी आपके पैराबोला पर है. यहाँ पे लिखना चाहिए था लेटस रेक्टम ज्वाइंस द पॉइंट दिस टू पॉइंट विच लाइज ऑन द पैराबोला. तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों पॉइंट भी आपके पैराबोला पर है, बट इतने स्टेटमेंट से तो नहीं शो हो रहा है कि ये पैराबोला पर है, लेकिन उनके कहने का मतलब यही कि ये दोनों पॉइंट पैराबोला पर है और लेटस रेक्टम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है. क्लियर? या लेटस रेक्टम फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट विच आर ऑन द पैराबोला. इस तरीके के इनको स्टेटमेंट लिखना चाहिए. बाय द वे ये क्वेश्चन है कि फोकस ये है और ये दोनों पॉइंट पैराबोला पर है और लेटस रेक्टम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ डायग्राम रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 7th. अब देखिए इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं वो कौन कौन से हैं. फोकस है आपका -2, -1 पे. फोकस एट -2, -1 एंड जो लेटस रेक्टम है वो किन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, -2, -2 एंड -2, -4. ठीक है ना? तो इतनी इन्फॉर्मेशन से जो हमको एक बात ये मालूम चल रही है कि ये जो आपका पैराबोला है वो पैरेलल, उसका एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, क्योंकि -2, -2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है. लेटस रेक्टम जस्ट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है. तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं. देखिए अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है पैराबोला की वो दो तरीके से हो सकती है. फोकस कहाँ पर होगा, -2, -1. ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, सपोज कर लीजिए ये -2 है एंड ये आपका हो जाएगा -2, -1. ये पोजिशन हो गई आपकी फोकस की. क्लियर? अच्छा जो पैराबोला होगा वो कौन दो पॉइंट से पास हो रहा है, -2, 2 -2, +2 सपोज कर लीजिए आपका ये पॉइंट हो गया एंड -2, -4 1, 1, 2, 3, 4 सपोज कर ले नीचे जाता है -2, 4 तो ये पॉइंट हो गया आपका -2, 2 एंड ये हो गया -2, -4. तो जाहिर सी बात ये और ये पॉइंट आपके जो हैं ये पैराबोला पर है. जो फोकस है वो जस्ट मिड पॉइंट होगा क्योंकि लेटस रेक्टम का. तो अगर हम इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, वो -2, आपको मिल जाएगा -2, -1 एज ए फोकस, ये गिवन है. ठीक है, तो क्वेश्चन में भी है -2, -1 और आप इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा -2, -1. तो अब इसका मकसद ये हो गया आपको कि पैराबोला या तो इस तरीके का होगा ऐसे और या तो फिर पैराबोला इस तरीके का होगा, क्योंकि फोकस बीच में आना है और ये दोनों पॉइंट आपके पैराबोला के ऊपर है. तो जो पॉसिबल फिगर है वो कैसा होगा, या तो आपका इस तरीके का होगा ऐसे या तो फिर इस तरीके का होगा ऐसे कुछ. ठीक, ये आपका फोकस हो गया ऐसे और ये आपका लेटस रेक्टम हो गया. ये पूरी कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगी. तो कंफर्म नहीं है कि पैराबोला ऐसे है या ऐसे है, दोनों पॉसिबल है इस दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग और ये आपका लेटस रेक्टम हो गया. तो अब यहाँ से हम दो काम कर सकते हैं, एक तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड कर सकते हैं. ये सपोज कर लीजिए आपका पॉइंट पी एंड ये पॉइंट क्यू है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मालूम हो जाएगी. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, 4a. अच्छा पॉसिबल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा आपका, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, इसका जो एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है.
यानी कि आपका इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, बट यहाँ पर वाई और एक्स के जो एक्सिस होंगे उनको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना होगा अल्फ़ा टू बीटा, क्योंकि ओरिजिन पे होता तो ये रिलेशन होता है, यहाँ पर ओरिजिन पे है नहीं वर्टेक्स, आपका इस तरीके का डायग्राम होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा ये उसको देखते हैं। जो पॉसिबल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो आपका हो जाएगा वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, इस फॉर्म में आपका इक्वेशन बनेगा। लेकिन अब हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं मालूम है, जैसे अल्फ़ा बीटा नहीं मालूम है और ए की वैल्यू नहीं मालूम है, तो 4a तो हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम से, लेंथ ऑफ रेटस रेक्टम के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला ना, आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, या यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लीजिए, ये लेंथ आपकी 2 है, ये लेंथ आपकी यूनिट जो है 6 यूनिट है, सॉरी 4 यूनिट है, तो 2 यूनिट 4 यूनिट 6 यूनिट 3 एज ए आंसर आएगा। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें तो वाई टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, यानी कि माइनस टू एंड प्लस टू हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2 माइनस 4, कितना हो जाएगा 2 माइनस 4, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, यानी कि लेंथ ऑफ रेटस्ट रेक्टम 4a आपको मिल जाएगा 6, मीन्स अगर a की वैल्यू चाहिएगा तो वो भी मिल जाएगी, वरना हमको तो 4a की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 3/2, इस रिलेशन को सपोज कर लेते हैं रिलेशन ए, ठीक, ये आपका एक रिलेशन तो है ही, इसमें ला के हमको इसको एक सपोज कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा अब देखिए क्या करना है, यहाँ से आपको लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू मालूम हो गई 4a इज इक्वल टू 6, अब हमको बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू अभी नहीं मालूम है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि सबसे पहला काम ये दोनों पॉइंट माइनस टू कॉमा टू एंड माइनस टू कॉमा माइनस फोर, दीज टू पॉइंट लाई ऑन ए पैराबोला, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन नंबर 1 एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन, यू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। आइए इस दोनों वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू एक बार ये रखेंगे और एक्स वाई की वैल्यू एक बार ये रखेंगे, तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा आइए उसको देखते हैं। देखिए अगर हम इस पॉइंट को रख दें एक्स एंड वाई की जगह पे, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन आपका मिल जाएगा 2 माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मीन्स 6 एंड एक्स माइनस अल्फा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू माइनस अल्फा, ये हो गए, एंड फ्रॉम पॉइंट माइनस टू कॉमा फोर वी गेट द रिलेशन माइनस फोर माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड माइनस टू कॉमा माइनस अल्फा, ये हो गए आपके। सपोज कर लीजिए ये इक्वेशन आपका बी है और ये इक्वेशन आपका सी है, अब हमको क्या करना है इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको सेम है, इसको इक्वेट कर दें, वहाँ से हमको एक वैल्यू मिल जानी चाहिए, आइए देखते हैं उसको भी। फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, इस रिलेशन को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस बीटा होल स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस बीटा होल स्क्वायर, क्लियर। नाउ दिस इम्प्लाइज 2 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस बीटा, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस टू इज इक्वल टू 2 बीटा, मीन्स बीटा इज इक्वल टू माइनस 1, बीटा की वैल्यू मिल गई। अब किसी एक रिलेशन में लाके अगर हम बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो हमको अल्फा की वैल्यू मालूम हो जाएगी, सपोज कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन बी इसमें लाके हम बीटा की वैल्यू पुट कर दें, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2
बीटा की जगह पे माइनस वन रखिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 2 + 1 होल स्क्वायर ना, 2 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस अल्फा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 स्क्वायर 9, यानी कि 9/6 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस अल्फा मीन्स 3/2 + 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा मीन्स अल्फा इज इक्वल टू माइनस 7/2। ये कैलकुलेशन आपका अपना है, ये आप अपने से कर लीजिएगा। हमको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई और हमको बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फ़ा बीटा दोनों वैल्यू मिल गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आपकी अल्फ़ा बीटा की आई है इसको इस इक्वेशन में ला के रख दिया जाए तो वहाँ से हमको कुछ रिलेशन और मिल जाएंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन अल्फ़ा बीटा क्या, इक्वेशन वन आपका क्या है, y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax माइनस अल्फा। प्लस माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि आपको ये नहीं कंफर्म है कि आपका पैराबोला किस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव, इस डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों यूज़ किया जाएगा। क्लियर। अच्छा अब आइए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, इसमें अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू पुट कर दें। बीटा इज इक्वल टू माइनस वन था ना, बस समझिएगा, एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 7/2। सो वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस लेटेस्ट रेक्टम 6x - α। क्लियर, x माइनस अल्फा। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपको क्वाड्रेटिक वो पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y + 1 एंड यहाँ प्लस माइनस 6x और 21 7 × 6 = 42/221। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे तो आपको दो अलग अलग रिलेशन मिल जाएगा। सपोज कर लीजिए पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस 6x एंड ये प्लस होगा, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा 20 मीन्स रिलेशन मिल गए, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 6x इज इक्वल टू 20। ये फर्स्ट आंसर हो गया आपका। अगर हम निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो कितना होगा, निगेटिव पे आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y + 1 वाई स्क्वायर प्लस 2y + 1 यहाँ पे आप माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस 6x माइनस 21 ये ना बनेगा। आप ब्रैकेट को ब्रेक करिएगा तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y + 6x इज इक्वल टू माइनस 22। ये आपका सेकेंड रिलेशन हो जाएगा। क्लियर, ये माइनस 21 है और ये इधर आएगा तो ये एक और माइनस 1 मिल जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। आपकी बुक में यहाँ पर माइनस 4 आ रहा है तो वो मिसप्रिंट है, वो अपना समझ लीजिएगा। ये 4 ना होके यहाँ पर माइनस 22 आंसर होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपका थोड़ा सा टफ था क्योंकि उसमें एक तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं, यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा वो चेंज कर देंगे तो शायद बेटर हो जाएगा। बहरहाल नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द वर्टेक्स एट -2, 3 एंड फोकस एट 1, 3 मीन्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एट -2, 3 एंड फोकस एट 1, 3। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, ये सारे पॉइंट को एक फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, उसके बाद देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपका किस तरीके से मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे वर्टेक्स 0, 0 है और फोकस 0, 1 है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सिंपल के फॉर्म में वर्टेक्स जहाँ पे भी 0, 0 आपको मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पैराबोला कहाँ से पास हो रहा है, आपको ओरिजिन से पास हो रहा है। बट इसमें थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो हम 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से आप
नाइन्थ एंड टेंथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर एट, वर्टेक्स एट -2.3 एंड फोकस एट 1.3. ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवेन है कि वर्टेक्स -2.3 पर है एंड फोकस 1.3 पर है. इससे हम एक पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसी ज़रूरत हमको है इक्वेशन को फाइंड करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ड्रॉ ए कार्टेशियन प्लेन, हियर एक्स एंड वाई एक्सिस. ओके, अब वर्टेक्स -2.3 पर है. -2.3 आपका कहाँ का पॉइंट होगा? -1, -2, +3 सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है, यहीं पे सपोज कर लें. ठीक है, वर्टेक्स एट -2.3 ये हो गए. एंड फोकस 1.3 ये हो गए. देखिए जो ऑर्डिनेट है मीन्स वैल्यू ऑफ वाई है वो दोनों की सेम है, यानी कि वर्टेक्स एंड फोकस से ही क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पैराबोला का पास होता है. तो यानी कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. एक बात तो ये क्लियर हो रही है, वर्टेक्स ही हो गए, ये फोकस हो गए. तो हमेशा फोकस जो है वो पैराबोला के अंदर आएगा, यानी कि आपका जो पैराबोला का डायग्राम होगा वो लगभग ऐसा कुछ होगा. ठीक, ये हो गया आपका फोकस एंड ये हो गया आपका वर्टेक्स. इसको हम एज ए सपोज कर ले, कोऑर्डिनेट है -2.3 और ये 1.3. ठीक है ना, ये इतनी चीज़ें हो गई. अब ज़रा से ये समझिएगा कि इस दोनों पॉइंट के बीच का गैप कितना है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पर वर्टेक्स और फोकस होगा उतनी ही डिस्टेंस पर वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है. तो अगर इसके बीच का हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लें, या वैसे देखिएगा कि ये लेंथ आपकी कितनी है, ऑर्डिनेट वो एप्सिसा -2 एंड +1. तो -2 + 1 इज इक्वल टू इनके बीच की क्या यूनिट है, 3 यूनिट है ना. यानी कि हम ये कह लें डिस्टेंस बिटवीन ए टू एस इज इक्वल टू ये -2 + 1 इज इक्वल टू 3 यूनिट. आप अगर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो भी आपको यही मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स भी इससे 3 यूनिट पीछे होगा, 1, 2, 3 यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स पास होगी. बट इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा. तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस आपकी अब कितनी हो गई, ये लेंथ 3 यूनिट है ना, ये लेंथ आपकी 3 यूनिट है और ये वाली लेंथ कितनी है, 2 यूनिट. तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये लेंथ हो गई 5 यूनिट. तो ये कोऑर्डिनेट हो गया -5.0 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5.3. ठीक है ना, आ रही बात समझ में. तो ये हो गया -5.0. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -5.0 एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -5 और यू कैन से दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अच्छा, पैराबोला के लिए हमको यही इतनी चीज़ तो चाहिए थी. एक पॉइंट इस पे सपोज कर लीजिए पी एक्स कॉमो वाई, हम क्या करेंगे पी एस एंड पी के निकाल देंगे परपेंडिकुलर लेंथ. यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोला का इक्वेशन मालूम हो जाएगा. फॉर पैराबोला पी एस अपॉन पी के इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी विच इज इक्वल टू द 1 फॉर पैराबोला. मीन्स पी एस इज इक्वल टू पी के, ये होगा ना, पी एस इज इक्वल टू पी के. पी एस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. एंड पी के कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर लेंथ का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो वहाँ से हम लोगों को पी एस पी के की वैल्यू मिल जाएगी, फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा. इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपका है. तो यहाँ तक काम करने के बाद इसके बाद इक्वेशन अपने से बना लीजिए. ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तो लेंथ ऑफ पी एस मालूम हो जाएगी एंड परपेंडिकुलर फार्मूले से आपको ये पी के की वैल्यू मिल जाएगी. जो भी हो यहाँ पे ला के रख दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए. ओके, वैल्यू ऑफ पी एस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x-1 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर एंड पी के मीन्स परपेंडिकुलर लेंथ x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट
वन स्क्वायर प्लस जीरो, सो ये सिंपली एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपका रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा जो भी होगा, क्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था, जो गिवन स्टेटमेंट था उससे एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम से सारी चीज़ें आप खुद ही निकालते चले जाइएगा। ये पी एस इज इक्वल टू पी के तो क्वेश्चन नंबर वन पे पहुंच गए, ये इतनी चीज़ें आपको समझनी है कि कैसे ये बन रहा है, क्लियर। वो ज्योमेट्री टॉपिक है इसलिए, सॉरी कोऑर्डिनेट टॉपिक है इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर नाइन्थ और टेंथ को भी सॉल्व करिएगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर अलेवेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर अलेवेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर एट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड द पैराबोला पासिस थ्रू द दिस थ्री पॉइंट। अब यहाँ पर क्या बोल दिया आपसे कि जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए ये एकदम शुरू में ये स्टेटमेंट लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन टू ट्वेल्व ये कॉमन वर्ड है, तो उसको उन्होंने बार बार लिखा नहीं है। तो ये मत सोचिएगा इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं क्वेश्चन में, तो वो ऊपर एक बार उसने लिख दिया वो चल जाएगा। द फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड द पैराबोला पासिस थ्रू दिस थ्री पॉइंट। आइए इसका पहले डायग्राम बनाते हैं क्या होगा, उसके बाद देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, ये इतनी कंडीशन आपकी दी गई है कि ये पैराबोला ऐसा है जिसका एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड पैराबोला पासिस थ्रू द पॉइंट 3.3, 6.5 एंड 6.-3, ये थ्री है, क्लियर। तो अब हमको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है और ये देखना है कि पैराबोला किस तरह का होगा। तो ये नहीं बोला है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी नहीं बताया है, तो वो तो हम एक्सपेक्टेड हमारा है कि अगर से ओरिजिन से नहीं जाएगा तो हम उसको कुछ भी सपोज कर लें, बाद में देखा जाएगा। अगर से वो अल्फा बीटा की वैल्यू 0.0 मिल जाती है तो ओरिजिन से जाएगा, यानी कि ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया जाए। मीन्स पैराबोला आपका इस डायरेक्शन में भी हो सकता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसी तरह कहीं और भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। हो सकता है वर्टेक्स उसका ऐसे हो, एक्सिस ऐसे हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल रहा है, हो सकता है इसमें ना हो कि यहाँ पर हो, ये डायरेक्शन इसका इधर की तरफ हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बस इतना क्लियर है, यानी कि ऊपर की तरफ नहीं हो सकता, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो इसके लिए इक्वेशन सपोज कर लें वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस इसलिए लिया क्योंकि इस डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव, 4a एंड x माइनस अल्फा, ये हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये आपने सपोज कर लिया, इस इक्वेशन को हम सपोज करके चलते हैं कि ये इक्वेशन आपका ऐसा इक्वेशन होगा जिसका एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा एंड विच इज़ पासिंग टू द गिवन पॉइंट, क्लियर। अब हमको अल्फा बीटा की वैल्यू अभी इसमें नहीं मालूम है, बट ये मालूम है कि दीज थ्री पॉइंट पैरेलल टू द दीज थ्री पॉइंट पासिंग टू द पैराबोला। तो अगर इस पॉइंट को हम इसमें रख दें तो देखिए क्या रिलेशन आपको मिलता है, फॉर 3.3 मीन्स फर्स्ट रिलेशन हो जाएगा आपका 3 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस 4a 3 माइनस अल्फा, ये आपका हो गया रिलेशन नंबर वन। नेक्स्ट 6.5 रख दिया जाए, सो 5 माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a 6 माइनस अल्फा, इट इज योर रिलेशन नंबर टू। एंड लास्ट फॉर 6.-3 प्लस माइनस 4a एंड 6 माइनस अल्फा, ये हो गया रिलेशन नंबर थ्री। यू हैव थ्री रिलेशन, क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री, एंड थ्री अननोन क्वांटिटी एज ए अल्फा बीटा एंड ए।
So simplify this relation and find the value of alpha and beta and a. क्लियर? अब सॉल्व कैसे होना ये आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. सपोज वी डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय थर्ड या थर्ड बाय सेकेंड, कुछ भी. देखिए राइट पोर्शन दोनों का सेम है, इसमें और इसमें. तो अगर हम इसको इक्वेट कर लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, तो देखिए क्या मिलता है आपको. ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी क्योंकि राइट साइड आपका सेम है. तो हो जाएगा 5 माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस बीटा होल स्क्वायर. इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, हमको रिलेशन बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. देखिए क्या होगा, 5 माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन लेके स्क्वायर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस बीटा. क्लियर? एक बार सबको अरेंज कर लेते हैं. 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बीटा, मीन्स 2 बीटा इज इक्वल टू 2, सो यू कैन से दैट बीटा इज इक्वल टू 1. आपको बीटा की वैल्यू मालूम हो गई ना. अब अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का यूज कर लें तो वहां से हमको अल्फा और ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी. फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए इस इक्वेशन में अगर बीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये क्या रखेंगे आप, 1 रखेंगे ना यहाँ पे. तो ये 3 माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ए 3 माइनस अल्फा. यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 4 एंड 4 कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए 3 माइनस अल्फा. इस रिलेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4. ये हो गए. और अगर से हम सेकेंड रिलेशन में बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो 5 माइनस 1 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4, एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ए 6 माइनस अल्फा. ये क्या हो गया, 4 4 इज 16, सो 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए 6 माइनस अल्फा. ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 5. ठीक. अब देखिए हमको बीटा की वैल्यू तो क्लियर है, बीटा इज इक्वल टू 1. आपको ए एंड अल्फा की वैल्यू नहीं मालूम है. अब अगर इक्वेशन 4 एंड 5 को डिवाइड कर दें तो ए कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू मालूम हो जाए, सॉरी हाँ अल्फा की वैल्यू मालूम हो जाएगी. अब जब अल्फा की वैल्यू मालूम हो गई आपको तो आप किसी भी इक्वेशन 4 या 5 में रख देंगे तो हमको ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी. सो डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5. मीन्स क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन 4 को डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन 5 से. तो देखिए क्या मिलेगा आपको, जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 4, या ऐसा करते हैं इक्वेशन 5 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा आपका 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये डिवाइड होने पे कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस अल्फा अपॉन 3 माइनस अल्फा. यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, कैसे, 12 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस अल्फा. यानी कि 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 एंड 4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा. मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 2. तो बीटा की वैल्यू मालूम हो गई और अल्फा की वैल्यू मालूम हो गई. अब अगर हम अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फोर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको ए की वैल्यू मालूम हो जाएगी. ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए 3 माइनस अल्फा, 3 माइनस अल्फा. तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. सारी वैल्यूज क्लियर हो गई ए अल्फा एंड बीटा की.
अब जो इक्वेशन था आपका, इसमें लाके हम अल्फा, बीटा और ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा सारा आंसर तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब आइए सीधी सीधी इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस बीटा, ना ये इक्वेशन था ना, वाई माइनस बीटा, बीटा मीन्स वन, वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये इसके बाद है वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस वन एक्स माइनस अल्फा, सो एक्स माइनस टू, इट इज़ योर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप इसको चाहिए तो एक्सपेंड कर लीजिए, एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व कर लीजिएगा। जब हम पॉजिटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे तो हमको रिलेशन मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस एक्स, या इसको कर दीजिए एक्स, ये माइनस टू है प्लस वन इधर से आएगा तो ये माइनस वन बनेगा। तो एक रिलेशन आपको ऐसा मिल जाएगा पॉजिटिव लेने पे, और नेगेटिव लेने पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस एक्स, ये प्लस टू है इधर आएगा तो ये प्लस वन बचेगा। क्लियर? नहीं सॉरी, ये प्लस टू है इधर आएगा तो ये प्लस थ्री हो जाएगा, ये आपका सेकेंड रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद आप कर लीजिएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। एक बार इसको आंसर से मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अलेवेंथ, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, ओके ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर अलेवेंथ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 था, बट यहाँ पे है एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होगा तो पैराबोला होगा, तो आपका इक्वेशन ऐसे बनेगा एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर ए वाई माइनस बीटा। इस तरीके का क्वेश्चन रख के सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। नेक्स्ट, द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट माइनस थ्री कॉमा माइनस टू, ऑब्टेन द लेंथ ऑफ द लैटरल रेक्टम एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। आई थिंक ये तो हो जाना चाहिए। अगर देखिए पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको फोर पी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। फोर पी का मतलब लेंथ ऑफ लैटरल रेक्टम, ये पूछा था। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस क्या होता है, ए कॉमा जीरो। तो ए यहाँ पे क्या है आपका, एज ए पी है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स होता था, इन्होंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी एक्स कर दिया तो ए इज इक्वल टू पी हो गए। तो इसमें जो भी पी की वैल्यू होगी ला के रख दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। प्रूव दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस, फाइंड इट वर्टेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया जाता है,